तो सदन की कार्रवाई चल रही थी राज्यसभा में, एकदम किसने कहा कि देखो देखो कौन आया, आया ये बब्बर शेर, ये नारा कैसे गूंजा। वहीं उससे पहले संसदीय दल की बैठक हुई, तब कौन से नारे गूंजे। तो आज की तमाम राजनीतिक खबरों पर नजर रहेगी खासी खास, साथ ही साथ ये खास रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले 25 बड़ी खबरें। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा, काम करने वालों को जनता ने जिताया है, इसलिए न चैन से बैठूंगा न बैठने दूंगा। बीजेपी सांसदों को पीएम मोदी का फरमान, कहा 26 मई से पहले सांसद जनता के बीच 72 घंटे गुजारे। पीएम ने पार्टी के बड़ बोले नेताओं पर चुटकी ली, बोले मुंह के लाल को भी शुक्रिया जो चुनाव के दौरान चुप रहे। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग में पीएम ने सभी से कलम और कागज निकालने को कहा, बोले जिनके पास नहीं है उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। बीजेपी की बैठक में पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का सम्मान, 5 राज्यों के चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सम्मानित। बैठक में पीएम मोदी को खिलाए गए तिरुपति के लड्डू, सभी सांसदों को तिरुपति मंदिर के प्रसाद के रूप में लड्डू दिया गया। बीजेपी सांसदों ने राज्यसभा में पीएम के पहुंचते ही भारत माता की जय के नारे भी लगाए। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य की तबियत बिगड़ी, ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में आईसीयू में भर्ती, मौर्य का ट्वीट ठीक है तबियत। चुनाव आयोग ने खारिज किए ईवीएम से छेड़खानी के आरोप, कहा ऐसा होना संभव ही नहीं, मायावती और केजरीवाल ने उठाए थे सवाल। राहुल गांधी सोनिया गांधी से मिलने जा सकते हैं, विदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने संकेत दिए, विदेश में चल रहा है सोनिया का इलाज। चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में तेज हुए विरोध के सुर, मणिशंकर अय्यर ने कहा जिस नेतृत्व में कांग्रेस हारी उसमें बदलाव की जरूरत। कांग्रेसी सांसद प्रिया दत्त ने उठाए सवाल, कहा ऑटो इम्यून डिजीज से जूझ रही है पार्टी, आत्मचिंतन की जरूरत। कांग्रेस नेता नसीब पठान ने यूपी चुनाव में हार के लिए पार्टी प्रभारी गुलाम नबी आजाद को ठहराया जिम्मेदार, बोले हार की जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दे। गोवा विधानसभा में मनोहर पर्रिकर ने हासिल किया विश्वास मत, सरकार के पक्ष में 22 वोट पड़े, विपक्ष में पड़े सिर्फ 16 वोट। गोवा में एनसीपी के सभी 1 विधायक ने भी दिया बीजेपी सरकार को वोट, स्पीकर समेत अब 23 एमएलए का सपोर्ट। गोवा कांग्रेस में कलह, विश्वजीत राणे गैर हाजिर रहे वोटिंग से, कांग्रेस छोड़ने के साथ साथ विधायक पद से इस्तीफा दिया। विश्वास मत जीतने के बाद बोले पर्रिकर, सभी ने मर्जी से वोट दिया, हमने किसी को नहीं बनाया था होटल में बंधक। पंजाब के 26वें मुख्यमंत्री बने कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर ने शपथ दिलाई। नवजोत सिंह सिद्धू भी बने अमरिंदर सरकार में कैबिनेट मंत्री, 3रे नंबर पर दिलाई गई शपथ। अमरिंदर सिंह के शपथ ग्रहण में पहुंचे राहुल गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। अमरिंदर सिंह के शपथ ग्रहण में पहुंचे राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा, मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी। पीएम मोदी ने दी अमरिंदर सिंह को शुभकामनाएं, कहा आपके नेतृत्व में पंजाब के विकास की उम्मीद है। उत्तराखंड में सीएम पद की दौड़ तेज, त्रिवेंद्र रावत, प्रकाश पंत और सतपाल महाराज का नाम सबसे आगे। उत्तराखंड के कार्यवाहक सीएम हरीश रावत ने हार की जिम्मेदारी ली, कहा मेरे नाम पर लड़ा गया चुनाव तो हार की जिम्मेदारी भी मेरी। मैनपुरी में सामने आई समाजवादी पार्टी के समर्थकों की गुंडागर्दी, एक गांव में घुसकर ईंट पत्थर और डंडों से हमला। अब आपको दिखाते हैं वो खास रिपोर्ट जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। देश की संसद में नारे तो अक्सर लगते हैं, ये नारे ज्यादातर विपक्ष में और विरोध में ही बुलंद होते हैं, लेकिन आज की तस्वीर अलग थी। 4 राज्यों में बीजेपी का परचम लहराने के लक्ष्य को पूरा कर पीएम जब सदन में पहुंचे तो मानो जीत दहाड़ रही थी। शेर अकेला ही आता है, तालियों और नारों से इस्तकबाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है, और ये नारे लोकतंत्र के मंदिर संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में शानदार विजय और 5 में से 4 राज्यों में सरकार बनाने वाली बीजेपी के लिए ये स्वर्णिम काल है, और इस स्वर्णिम काल के नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हर जगह नारे लग रहे हैं। यूपी विजय के बाद आज जैसे ही पीएम मोदी राज्यसभा पहुंचे,
बीजेपी सांसदों ने नारा लगाना शुरू किया, देखो देखो कौन आया। हिंदुस्तान का शेर आया। क्वेश्चन 152, साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज। इससे पहले कल लोकसभा में भी प्रधानमंत्री के पहुंचने पर भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगे थे। ऐसे तो मोदी मोदी के नारे पीएम मोदी के लिए नए बिल्कुल नहीं है। पीएम जब कभी कहीं भी पहुंचते हैं तो उनके समर्थक मोदी मोदी के नारे लगाने से नहीं चूकते। कभी प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी में भी तो कभी विपक्षी नेताओं के सामने भी मोदी मोदी के नारे लगाए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो संसद की कार्रवाई से पहले पीएम ने संसदीय बोर्ड की बैठक में हिस्सा लिया। नेता, सांसद और मंत्री बैठक में गए तो जीत के नशे में चूर होकर, लेकिन बैठक से निकले तो काम के नक्शे के साथ, यानी मिशन नेक्स्ट के ब्लूप्रिंट के साथ। नेताओं ने जीत का प्रसाद तो खाया ही, लेकिन साथ में पीएम का कड़वा डोज भी उन्हें मिला। स्वागत और सम्मान के बीच आज बीजेपी में खुशियों के लड्डू खूब बांटे गए, लेकिन इस लड्डू के साथ काम करने की कड़वी दवाई भी पिलाई गई। और ये काम किसी और ने नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पीएम ने पहले कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। आज पीएम ने नया नारा दिया, न बैठूंगा न बैठने दूंगा। हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। पीएम मोदी बीजेपी संसदीय दल को संबोधित करने उठे तो सबसे पहले उन नेताओं को निशाने पर लिया जो बैठक में सिर्फ बैठक मानकर चले आते हैं। पीएम ने कहा, सभी लोग कलम और कागज निकाल लें। जिनके पास कलम नहीं है, मैं उनका कुछ नहीं कर सकता हूँ। पीएम ने संसदीय दल की बैठक में 5 बड़ी बातें कही। पहली बड़ी बात, जीत से अति उत्साह में ना आए और विनम्र रहें। आज जब भारतीय जनता पार्टी के इस वटवृक्ष पर विजय रूपी फल लगे हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा झुकने का जिम्मा बनता है। दूसरी बड़ी बात, सरकार का काम युवाओं तक पहुंचाएं। पीएम ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि यह जनादेश काम करने के लिए मिला है, बैठने के लिए नहीं। बीजेपी सांसद अपने अपने कामों में लग जाएं, साथ ही साथ बड़े पैमाने पर युवाओं के पास जाएं और सरकार के काम को मोबाइल और शिक्षण संस्थानों के जरिए प्रचारित करें। ये हमारी सादगी और सरलता का परिचय है। हम जीत में भी विनम्र हैं, जनता के लिए, गरीबों के विकास के लिए काम करेंगे, यही हम सबों का संकल्प। तीसरी बड़ी बात, सांसद अपना एक्शन प्लान बताएं। पीएम नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक में सांसदों को नसीहत दी कि 26 मई को सरकार के 3 साल पूरा होने के मौके पर सभी सांसद अपना एक्शन प्लान पेश करें। साथ ही साथ सांसद अपने अपने इलाके में जाएं, 3 दिन और 3 रात लोगों के बीच रहें और उन्हें सरकार की उपलब्धियां बताएं। चौथी बड़ी बात, बाबा साहब के सपनों को साकार करें। पीएम मोदी ने सांसदों से कहा कि वो कार्यकर्ताओं के जरिए डिजिटल करेंसी और भीम ऐप के लिए जागरूकता फैलाने का काम करें। पीएम मोदी ने कहा कि 6 से 14 अप्रैल के दौरान जितनी भी सभाएं और रैलियां की जाएं, उसमें बाबा साहब अंबेडकर की फोटो को प्रमुखता से जगह दी जाए। जश्न नहीं है ये, एक प्रण लिया है कि आगे और मजबूती के साथ काम करना है। और ये जो सफ़र है ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला, ये अच्छे दिन का सफ़र है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला इस देश के लिए। पांचवी बड़ी बात, मुंह के लालों पर मोदी ताला। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी बीजेपी के बयान बहादुरों पर चुटकी लेने से खुद को नहीं रोक पाए। पीएम ने कहा कि मुंह के लालों का भी शुक्रिया जो चुप रहे।
मुंह के लालों पर पीएम की चुटकी से ये तय हो गया कि बीजेपी के बयान बहादुरों पर मोदी ताला लगा रहेगा, वो अनाप शनाप बयानबाजी नहीं कर पाएंगे। इन पांच बातों से इतना तो तय है कि पीएम मोदी ने चार दिन पहले जिस न्यू इंडिया की बात कही है वो उसे पूरा करने के लिए मिशन मोड में है, और उसे पूरा किए बिना न तो वो खुद बैठने वाले हैं और न ही किसी को बैठने देंगे। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। यानी कि काम अभी खत्म नहीं हुआ है, ये संदेश साफ था पीएम ने जो दिया कि काम तो अभी शुरू हुआ है और बहुत काम करना है, जनता की बहुत सी उम्मीदें हैं।